नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट मींस एक योद्धा होता है। इस योद्धा को देखिए जो अपनी पूरी योद्धा की ड्रेस में है। इसके सिर के ऊपर हेलमेट है और इसने अपने हाथ में एक कप पकड़ा हुआ है। इसका सफेद रंग का घोड़ा सामने एक नदी या कोई भी वाटर स्ट्रीम है जिसे ये पार करना चाहता है। नीले रंग का बैकग्राउंड इसके आशावादी होने को दिखाता है। सामने और पीछे बने हुए पहाड़ इसके जीवन में आने वाले चैलेंजेस और ये उन चैलेंजेस को अच्छी तरीके से सामना करते हैं ये दिखाता है। हाथ में पकड़ा हुआ कप ये बताता है कि किसी भी प्रकार का कोई रोमांटिक या इनविटेशन प्रपोजल को ये लेके जा रहा है। ये एक मैसेंजर है। यह एक्शन टेकर का कार्ड है, यानी कि इसने कुछ सोचा नहीं कि किया नहीं। ग्रेसफुली टैक्टफुली बहुत ही डिप्लोमेटिक होकर के बट पीस लविंग भी है। अब अपने दिल की बात सुनकर यह एक्शन लेने का जरिया बना चुका है। यह पर्सन 25 से 35 साल की एज का हो सकता है। यह पर्सन रोमांटिक इमोशनल और केयरिंग होता है। यह कार्ड अगर कोई पर्सन अपने लव या रिलेशन के लिए पूछता है तो यह एक रोमांटिक प्रपोजल को भी लेके जा सकता है या किसी शादी की खबर को भी लेके जा सकता है। दोनों ही लोग इसमें बहुत ही ज्यादा केयरिंग और रोमांटिक हैं। लव रीडिंग में जब भी ये कार्ड आता है तो ये रोमांटिक न्यूज को ही बताता है कि आप जिसे चाहते हैं या तो आप उसको प्रपोज करने जा रहे हैं या आपको उधर से प्रपोजल जल्दी ही आने वाला है। अगर मनी करियर या बिजनेस की बात की जाए तो इस क्षेत्र में आपको एक नया अवसर मिलने का आशा दिखाता है। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे प्रपोजल का इंतजार कर रहे हो जो जॉब से रिलेटेड हो या किसी फाइनेंस से रिलेटेड हो या किसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो तो आपको बहुत ही जल्दी खबर मिलेगी और वो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव भी मिलेगा। किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको एक्ट टैक्ट के साथ काम करना होगा। आपको आने वाले स्ट्रगल्स का भी जो सामना है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना होगा और आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं। अगर आप आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी के मार्ग के लिए ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आपके आसपास में आपको कई तरीके के संकेत यानी कि इंडिकेशंस मिल सकते हैं, उन पर आपको ध्यान करने की जरूरत है। ये आपके साइकिक एबिलिटीज को भी बढ़ाएगा जो ईश्वर से आपका डायरेक्ट कनेक्शन भी बना सकता है। हेल्थ की अगर बात कीजिए तो अगर आपने कोई टेस्ट करवाया है तो आपको उसके जो रिजल्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स के आपको पॉजिटिव मिल सकते हैं। आपको अपने अंदर में एक मजबूती एक स्वस्थता का फीलिंग होगा, आप अपने को हेल्दी महसूस करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ आपको डॉक्टर से भी सही तरीके से सलाह लेकर के उस पर चलना चाहिए। और अगर यही कार्ड रिवर्स में आ जाए तो अपराइट की कंडीशन में तो ये कार्ड एक अच्छे से प्रपोजल आने का इंडिकेशन दे रहा था, लेकिन अब आपको इसमें निराशा दिखाई देगी। स्ट्रेस के कारण आपको इमोशनल टर्मोइल भी हो सकते हैं। अब तक ये पर्सन ऐसा था जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ये मैनिपुलेट चीटर हो सकता है। मनी करियर में भी आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी पर आते आते मिस हो जाएंगी, काम रहते रहते बनते बनते बिगड़ जाएगा या रुक जाएगा।